अच्छा देखिए ये पिक्चर स्टोरी है, आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं, ठीक है, आपने तस्वीरों को समझना है और लिखना है ये क्या हो रहा है। अच्छा पेज नंबर 7 है, जरा स्किप पर आइएगा, लिखा हुआ है लुक एट द सीरीज ऑफ पिक्चर्स गिवन बिलो, राइट अ स्टोरी अबाउट 6 टू 8 लाइंस एंड एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, आपने इस तस्वीर को समझना है और बताना है क्या हो रहा है। अब देखें इसको समझने का तो तरीका ये कि एक बच्ची जो है वो जो है बच्ची ने गिफ्ट दिया अपनी आंटी को या अम्मी को, ठीक है, दे रही, अम्मी ने उसको संभाल के साफ करके जो है सजा दिया, बच्ची जो है वो अपने डॉग के साथ खेल रही थी, खेलते खेलते वो गिर के टूट गया, ठीक है, और फिर ये अम्मी इसके बाद पैसे दे रही है, ये इसका मकसद क्या, पैसे दे रही है इसका मतलब क्या, नहीं गुलदान के अंदर पैसे दे, देखें उस गुलदान में से पैसे निकले, आप इसको समझे कि इसको बच्चा देखेगा। अच्छा हमारा असल मकसद क्या था, इस तस्वीर को समझना, इनको बातों की, इससे हमारा मतलब नहीं था, मतलब यहाँ पर ये कि वो लिखता क्या है, यहाँ उस चीज को कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है, राइट कर पाता है, इस तरह से राइटिंग स्किल डेवलप होती है, सब कुछ क्या समझ सकती है इस तरह से। अभी जो है तस्वीर को क्या लिखी, गिवन बिलो इज अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स टेलिंग अस व्हाट हैपेंड टू समीना इन अफ्रीका, द स्टोरी डजंट हैव द एंडिंग, प्रोवाइड अ सूटेबल एंडिंग टू द स्टोरी। ये समीना की कहानी है, समीना जो है अफ्रीका गई और उसके साथ एक वाकया हुआ, इस वाक्य का कोई एंड नहीं लिखा हुआ स्टोरी में, इसका एंड करना है आप लोगों, ठीक है, वो क्या है, व्हेन समीना वेंट टू अफ्रीका हर डैड टुक हर टू सी द एलिमेंट, जब वो अफ्रीका गई तो उसके अब्बू जो है उसको हाथी दिखाने के लिए लेके, दूसरी पिक्चर में क्या हुआ, समीना लुक एट द ट्रैक्स ऑफ ट्रैक्स एलिमेंट मेड, समीना ने जो हाथी के पांव के निशान थे वो देखे, देन शी सॉ अनदर एनिमल, मगर उसको वहां पर एक और जानवर के निशान देखे, लेकिन हाथी के पांव के साइड में देखिए वो टेढ़े मेढ़े निशान से एग्जैक्टली बना, समीना वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट एनिमल हैड मेड द ट्रैक, समीना ने जानने की कोशिश की कि दूसरे जो निशान है वो कौन से जानवर थे, शी रन आउट टू फाइंड आउट, वो भागी के जानने के लिए। चौथी तस्वीर, अ स्नेक हैड मेड द स्नेक हैड मेड अ ट्रैक, वो निशान जो है वो एक सांप ने बनाया था, आप देख सकते हैं चौथी सीरीज में नाग बैठा हुआ, समीना सॉ द स्नेक इन द ग्रास, समीना ने घास के अंदर सांप को देखा और सांप ने समीना को देखा, ठीक है, अब यहाँ पर एंड नहीं हुआ, अब क्या होना है बच्चे ने मुझे पूछा। अच्छा अब आपके ऊपर आप इसकी हैप्पी एंड नहीं कर दें, इसकी हैप्पी एंड नहीं कर दें या फिर ट्रेजेडी कर दें आपके ऊपर, और समीना भी हो, अच्छा आप किस तरह एंड करेंगे, अपने अबू को बुलाया, उसने साफ मार, अपने अबू को बुलाया, आप लोगों का आइडिया मेरा आइडिया है कि सांप ने बच्चे को डस लिया, सांप ने बच्चे को डस लिया। अच्छा देखिए अब ये पॉसिबल एंडिंग थी, ये सारी जो है पॉसिबल एंडिंग थी, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं, हमारा मकसद ये था कि बच्चे कुछ लिख दें, हमें राइटिंग चेक करनी है, लिखना आता है, हैंड राइटिंग की बात नहीं, जबान लिखनी आती है, अगर ये तस्वीर उर्दू के अंदर होती, उर्दू का काम क्या करवा रहे, उर्दू के अंदर हम उसे लिखवाते हैं, सिंधी में लिखवाते हैं, राइटिंग देखती है, हैंड राइटिंग इज अलग चैप्टर, वो डिफरेंट चैप्टर है, वो तो डिपेंड करता है कि हमारी मोटर स्किल्स कितनी डेवलप है। हाँ